बालाघाट नैनपुर मार्ग पर मानकुवर नदी में बनाया गया डायवर्सन पुल इतना कमजोर साबित हुआ है कि गर्मी के दिनों में हुई बारिश की तेज धार में बह गया। इस पुल के बहने के बाद लामता, चांगटोला सहित दर्जनों गांव का नैनपुर मंडला जिले से सीधा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि इस राज्य मार्ग पर बना पुल अगस्त 2022 में बारिश के बाद एक छोर से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण डायवर्सन पुल का निर्माण कराया गया था, जो कि बीते 4 दिनों से जिले भर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते तेज बहाव के कारण बह गया है। यह क्षेत्र आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे की विधानसभा का हिस्सा है, जिसके चलते अब लोगों के द्वारा डायवर्सन पुलिया की कमजोर नींव और गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके पहले भी जब पुल टूटा था तब लोगों ने मानकुवर नदी में रेत के अवैध उत्खनन को प्रमुख कारण बताया था। गौरतलब है कि प्रदेश सहित जिले भर में पिछले 1 सप्ताह से लगातार मौसम का परिवर्तन जारी है। कभी मौसम साफ रहता है तो कभी हल्की और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिले की नदियां, जो कि गर्मी के शुरुआती दिनों में सूख जाती है, उनमें भी तेज बहाव देखने मिल रहा है। दूर हो जाओ। ये मंडला मार्ग जो है चांगुटोला के पास टूट गया है और वो अस्थाई टेम्पररी व्यवस्था की गई थी। पुलिया तो पहले ही टूटा हुआ था, उसको बाईपास किया गया था, वही पानी में टूट गया है। अब इसके लिए क्या तत्कालिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी ठहराई जाएगी कि वो अस्थायी व्यवस्था कौन किया था और उसको हल्का पानी में कैसे टूट गया। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी लग रही थी छोटे से पानी में। हाँ, वही है कि अभी पानी थोड़ा सा गिरा है और क्या मिस्टेक था उसको फिर इंजीनियर लोग ही बता पाएंगे, उसकी जाँच कराई जाएगी और संबंधित जनों के विरुद्ध में कलेक्टर साहब के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत डोंगरमाली में आज कार्यवाहक सरपंच के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्वाचन होना था, लेकिन पंचों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिससे चुनाव कराने पहुंचे नोडल अधिकारी ने 2/3 अभिमत नहीं होने के कारण चुनाव आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डोंगरमाली में निर्वाचित सरपंच मनोज लिल्हारे पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध होने के बाद जिला पंचायत सीईओ द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए सरपंच को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई थी। इसी के तहत आज यहां पर सरपंच के रिक्त पद की पूर्ति के लिए कार्यवाहक सरपंच का चुनाव सम्पन्न होना था, किंतु 20 वार्ड पंच वाली इस पंचायत में मात्र 6 पंच ही शामिल हो पाए, जिसके चलते निर्वाचन को आगामी तिथि तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विरोध जता रहे पंचों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए सरपंच मनोज लिल्हारे को पुनः सरपंच पद पर नियुक्त किया जाए। एक प्रकरण होने की वजह से धारा 40 जो मुझ पर लगाया गया था उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रशासन ने चुनाव कराने की अपनी अपेक्षा किया, क्योंकि पद रिक्त था, पद उन्हें रिक्त समझ में आया था रिक्त पद की पूर्ति करने के लिए। फिर 28 तारीख को मेरी जमानत होने के बाद हमारे जो बीच में पंच हैं 20 वार्ड के 20 पंच, जिसमें से 14 पंचों ने मिलकर के उसका बहिष्कार कर दिया कि हमारे सरपंच साहब आ चुके हैं और सरपंच साहब के आने के बाद हमें नए सरपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। डोंगरमाली में स्थानीय पर सरपंच की नियुक्ति की जानी थी, परंतु कोरम के अभाव में उपरोक्त बैठक स्थगित कर दी गई। सर, जो पंच थे उनका क्या बहुमत नहीं मिला क्या या कोई? हाँ, कोरम के अभाव में स्थगित। तो फिर आगे सर क्या प्रोसेस की जाएगी? आगे हम मतलब जो लेटर है उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं, उसके बाद जो भी हमें कार्रवाई करने को मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 1 मई को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय बालाघाट में विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार ढोडरे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके शामिल हुए, जहां उनके द्वारा राइस मिल, ट्रांसपोर्ट और अन्य कार्यों में लगे आधा सैकड़ा मजदूरों का तिलक वंदन कर पुष्पहार एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया।
कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। हर कार्य क्षेत्र मजदूरों के परिश्रम पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने में मजदूरों का श्रम अतुलनीय है। इस दौरान असंगठित कामगार एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन, कांग्रेस प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैज, भीम फुलसुंगे, युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहीम खान, अभय मोदी, सेवा दल के अध्यक्ष जीतू बर्वे, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुनील जैन, सुखदेव मुनि कुतराहे, डॉक्टर अमर बिसेन सहित अन्य युवा पदाधिकारी मौजूद रहे। रामेश्वर बिसेन जी आप भी आए, जमाजी बघेले जी आप भी आए, जमाजी बघेले जी आप भी आए, दुनेश बिसेन जी, आकाश कावरे जी आप भी आए, अपना सम्मान ले आइए, आकाश कावरे जी आप भी आए।